हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हेडिंग पड़ी हुई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस एरिया। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या होता है, कोई हमने एरिया ले ली कैपिटल ए, इससे जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस पास करेंगी, जितनी ही नंबर ऑफ लाइंस पास करेंगी इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई से, ठीक है। तो वही लिखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस एरिया। किसी भी एरिया से जितनी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी उसे हम लोग फ्लक्स बोलेंगे। और ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर ई रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड्स को, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई आपको, ये फिगर बना हुआ है, ये टोटल क्या है तुम्हारा, एरिया ए है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस पर डिपेंड करेगा, फिर उसके बाद एरिया पर डिपेंड करेगा, उसके अलावा एंगल्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, नंबर एक फील्ड लाइंस पे, नंबर दो एरिया पर, नंबर तीन एंगल्स पर। बात करें फील्ड लाइन की, पहला देख लेते हैं फील्ड लाइन इस तरीके से। मान लिया हमने कोई एक सरफेस बना लिया, ठीक है, यहां से हमने क्या कर दिया, फील्ड लाइंस पास कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड पास करा दी इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पास करा दी। अब फ्लक्स जो होता है वो डिपेंड करता है किस पर, फाई ई डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। जो फील्ड लाइंस लिखा है इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जितनी इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी वही उसकी क्या हो जाएगी, फ्लक्स हो जाएगी। अगर तुमसे इसमें पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है आपका, तो आप कितना बताओगे, टोटल नंबर ऑफ लाइंस दो पास हो रही हैं, तो कहोगे फ्लक्स कितना जा रहा है, तो कहोगे फ्लक्स की जो क्वांटिटी है या जो नंबर्स हैं वो कितने हो गए, दो, ठीक है। अगर हम क्या करें, ये तो फील्ड लाइंस समझ में आ गया कि जितनी नंबर ऑफ लाइंस पास होंगी वही उसका क्या कहलाएगा, फ्लक्स कहलाएगा। एक कंडीशन आपके समझ में आ गई। दूसरा कह रहा है कि एरिया पर भी फ्लक्स डिपेंड करता है, मतलब ये बोल सकते हो फाई ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। अगर फ्लक्स बढ़ाया जाएगा, अगर हमें फ्लक्स को बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी सरफेस एरिया बढ़ा दें, मतलब एरिया बढ़ा दें। देखो इस तरीके से बना लेते हैं फिगर को, ये तुम्हारा हमने कोई एरिया बना लिया, यहां से नंबर ऑफ लाइंस पास कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। और भी हम पास कर सकते हैं यहां से, और भी पास करना चाहें और भी पास कर सकते हैं। ये क्या है, एक हमारा कोई कैपिटल ए एरिया ले लिया और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास करा दिया। तो फ्लक्स जो है वो किस पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये देखो, यहां से देख लो पहले, यहां पे छोटा सा एरिया है, छोटा सा एरिया है क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही हैं, केवल और केवल दो इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही हैं। लेकिन अगर यहां पर आप देखें तो एक दो तीन चार पांच, यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, पांच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। मतलब कहने का ये एरिया छोटा था तो यहां से फील्ड लाइंस कम पास हो पाई, हमने एरिया बढ़ा लिया, एरिया बढ़ाने पर फील्ड लाइंस की जो नंबर्स हैं वो भी बढ़ गए। पहले नंबर दो थे क्योंकि फील्ड लाइंस दो थी तो फ्लक्स भी दो था। लेकिन अगर यहां पे बात करें, यहां पे फील्ड लाइंस की संख्या कितनी है, पांच है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या पांच है तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, पांच हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया बढ़ाने पर ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही है इसमें से, एरिया बढ़ाने पर नंबर ऑफ लाइंस पास हो गई ना ज्यादा। कैसे कैसे, यहां पे दो हैं, यहां पे दो लाइंस पास हो रही थी, लेकिन यहां पे जैसे ही हमने एरिया को बढ़ाया
नंबर ऑफ लाइंस की संख्या बढ़ गई, 5 यहां से पास होने लगी। और पहला कंडीशन यही थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्लक्स के। अगर इलेक्ट्रिक लाइंस बढ़ेंगी तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, मतलब यहां पे E की वैल्यू क्या है 2 है तो फ्लक्स भी 2 हो गया। अगर यहां पे E की वैल्यू 5 है तो यहां पर फ्लक्स 5 हो गया। ठीक है, एरिया बढ़ाने पर नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा पास हो गई, एरिया बढ़ाने पर नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा पास हो गई तो फ्लक्स भी हमारा ज्यादा हो गया। ये सेकेंड फैक्टर हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं एंगल्स की बात करते हैं। एंगल्स के लिए कंडीशन देखें तो पहले फिगर बना लेते हैं इस तरीके से। ये हमने फिगर बना लिया और हमने इस तरीके से इलेक्ट्रिक लाइंस पास कर दी। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर दी हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर दी। उसके बाद हमने देखा यहां से कि एरिया वेक्टर जो है बाहर की तरफ होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है। तो यहां पर जो एंगल बन रहा होगा, यहां से फील्ड लाइन जो पास हो रही होगी कहीं पे, तो ये एंगल कितना बन गया होगा, थीटा बन गया होगा। अगर ये एंगल थीटा बन गया तो एरिया और थीटा के बीच में अगर एंगल बन गया है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स तुम्हारा हो जाएगा फाई इक्वल टू ई डॉट ए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। एरिया कैसा है, परपेंडिकुलर। यहां से देखो, अच्छा ये तुम्हारा एरिया है, एरिया वेक्टर है, ये सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के भी कैसा है, परपेंडिकुलर है, तो फाई ई बराबर क्या हो गया, ई डॉट ए हो गया। और आपको कंडीशन पता होगी, अगर डॉट आता है तो डॉट के साथ जो वैक्टर्स आता है वो किस तरीके का होता है, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा आ जाता है। ठीक है, फ्लक्स कितना आ गया, ई ए कॉस थीटा। तो आपने देख लिया होगा ये तीन फैक्टर्स पे फ्लक्स डिपेंड करता है। पहला फैक्टर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दूसरा फैक्टर होता है एरिया, और तीसरा फैक्टर होता है एंगल इसके बीच का। तो फ्लक्स तीन चीजों पर डिपेंड करेगा। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ाएंगे तब भी फ्लक्स बढ़ेगा, एरिया बढ़ाएंगे तब भी फ्लक्स बढ़ेगा, और एंगल को बढ़ाएंगे तब भी फ्लक्स बढ़ेगा, क्योंकि ये तीनों फैक्टर्स डिपेंड करते। अब बात करते हैं यूनिट्स की। तो यूनिट्स अगर हमें निकालना है, फाइव इक्वल टू फार्मूला होता है ई ए, फाइव इक्वल टू ई ए होता है, इतना तो आपको पहले से पता है। अच्छा ई इक्वल टू क्या होता है, अगर हम निकालें ई इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट, तो इसका मतलब हो गया, एफ का मतलब हो गया न्यूटन, अपॉन क्यू का मतलब हो गया कूलम। तो यहां पे वैल्यू रख दें आके फ्लक्स में, तो फाइव ई बराबर कितना हो जाएगा, ई की जगह पर लिख दोगे न्यूटन पर कूलम, इंटू एरिया की जगह पर, भाई एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, मतलब मीटर इंटू मीटर, और ये हो जाता मीटर स्क्वायर। तो यहां पे क्या लिख देंगे, मीटर स्क्वायर लिख देंगे। तो फ्लक्स कितना हो गया, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। एक तो फार्मूला हमारा ये निकल आया फ्लक्स का। फ्लक्स दो तरीके से पूछा जाता है, फ्लक्स का यूनिट दो यूनिट होते हैं, एक यूनिट तो हो गया तुम्हारा न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, दूसरा भी बता देते हैं आपको, ई की वैल्यू होती है इक्वल टू होता है वी अपॉन एक्स। ई इक्वल टू हो गया वी अपॉन एक्स, तो ई का मतलब क्या हो गया, वी का मतलब हो गया वोल्ट, और एक्स का मतलब हो गया मीटर। ठीक है, वोल्ट पर मीटर ई की वैल्यू निकल आई। अब इस वाले फार्मूले में पुट कर देते हैं, फाइव ई बराबर क्या हो गया, फाइव ई बराबर हो गया ई इंटू ए, और ई की वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं वोल्ट पर मीटर, तो फाइव ई बराबर कितना हो जाएगा, वोल्ट लिख दोगे पर मीटर लिख दोगे, इंटू एरिया क्या होता है, एरिया तो आपको पहले से पता है मीटर स्क्वायर होता है, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो गया, तो फ्लक्स बराबर कितना हो गया, फ्लक्स बराबर हो गया वोल्ट, लिख दो भाई जो लिखा है वही लिख दे रहे हैं, वोल्ट और इंटू मीटर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हमें क्या निकालनी है, इसकी डायमेंशन अगर निकालनी है तो डायमेंशन आप लोग कैसे निकालेंगे, डायमेंशन तो आप लोगों ने निकालना सीखा ही है। तो डायमेंशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डायमेंशन लिख देते हैं पहले। डायमेंशन निकालने के लिए क्या करते हैं, इसी फार्मूले को लिख लेते हैं, इस वाले फार्मूले के, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, इस वाले फ्लक्स के इस फार्मूले को लिख लेते हैं, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें डायमेंशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा,
इसकी डायमेंशन लिखनी पड़ेगी। तो कुछ डायमेंशन हम साइड में लिख देते हैं। न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है, न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एम ए एल टी माइनस टू। कूलाम की होती है ए टी, और मीटर स्क्वायर की होती है आपको पता ही है पहले से, एल स्क्वायर। ये डायमेंशन होती हैं, ये फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो फ्लक्स फाइ ई बराबर क्या हो जाएगा, न्यूटन के लिए क्या लिख देंगे, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू अपॉन कूलाम की लिखोगे ए टी, और मीटर स्क्वायर की क्या लिखोगे, मीटर स्क्वायर की लिखोगे एल स्क्वायर। ठीक है, तो अब डायमेंशन को कलेक्ट कर लेते हैं एक साथ में। फाइ ई बराबर देखो एम ऊपर है और नीचे तो कहीं है नहीं एम, तो एक बार लिख दो एम। अब एल देखो, एल एक एक पावर यहां पे, दो यहां पे, दो और एक कितनी हो गई, तीन हो गई, तो एल की पावर लिख दो तीन। अब देखो नीचे वाला, ऊपर टी की पावर माइनस टू है, यहां पे टी कितना है, वन है, वन को ऊपर ले जाओगे माइनस में एक हो जाएगा, और माइनस के दो पहले से लिखे हैं, मल्टीप्लाई में पावर एड हो जाती है तो माइनस का थ्री हो जाएगा। ए की पावर वन है, यहां पर ऊपर ले जाएंगे किसमें हो जाएगा, ए की पावर माइनस वन हो जाएगा। ये हमारी डायमेंशन फ्लक्स की निकल आई। डायमेंशन क्या निकल के आई, एम एल की पावर थ्री, टी की पावर माइनस थ्री और ए की पावर माइनस वन। ये फ्लक्स की हमें डायमेंशन पता लग गई। ठीक है, अगले में देखते हैं, आगे थोड़ा देखते हैं। अगले टॉपिक में लिखा है टू कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है थ्रू एनी गिवन सरफेस, कोई गिवन सरफेस है। वी हैव टू डिवाइड द गिवन सरफेस इनटू स्मॉल एरिया एलिमेंट, स्मॉल एरिया एलिमेंट। तो हम लोगों ने क्या करा, एक फिगर बना लिया, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है लाइंस। ठीक है, ये वाली लाइन भी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली लाइन भी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये हमने मान लिया कोई टोटल एरिया ए है, और इतना सा एरिया हमने मान लिया ये स्मॉल एरिया है। ये कैसा एरिया है, स्मॉल एरिया है। ठीक है, तो स्मॉल एरिया से नंबर ऑफ लाइंस जो पास हो रही होंगी वो थोड़ी सी पास हो रही होंगी इस तरीके से। तो इसमें से एरिया में से अगर एरिया स्मॉल है तो नंबर ऑफ लाइंस भी कम पास हो रही होंगी। जब नंबर ऑफ लाइंस कम पास हो रही होंगी तो फ्लक्स भी कैसा रहा होगा, बहुत ही कम रहा होगा। जब फ्लक्स कम रहा होगा तो फार्मूला क्या लिखेंगे, फाई ई इक्वल टू ई डॉट डेल्टा ए। फ्लक्स बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। एरिया होता है इसका, कोई भी सरफेस हम जो ले रहे हैं वो एरिया ले लेंगे उसका। तो अब हमें करना क्या होगा, हमें करना ये है कि हमें फ्लक्स निकालना है। ठीक है, ये जो फ्लक्स है वो स्मॉल रहा होगा क्योंकि एरिया स्मॉल थी तो फ्लक्स भी स्मॉल रहा होगा। तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले ई डॉट डेल्टा ए को थीटा के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो डी फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ई डॉट डॉट तो हट जाएगा तो हो जाएगा डेल्टा ए कॉस थीटा। अब हमारा ये फ्लक्स स्मॉल है लेकिन हमें चाहिए पूरे सरफेस के लिए, तो हमें इसका करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करते हैं तो लिख लेते हैं डी फाई ई, इंटीग्रेशन के लिए लिख लेते हैं डी फाई ई, ई डेल्टा ए कॉस थीटा। अब करना क्या है, ई को कर लेते हैं बाहर, या फिर इसी तरीके से अगर छोड़ दो यहीं पे, डी फाई ई को इंटीग्रेट करेंगे तो फाई ई आ जाएगा टोटल फ्लक्स, क्योंकि डी का जो डी होता है ना वो हट जाता है इंटीग्रेशन में। तो बचा क्या, ई डेल्टा ए कॉस थीटा बचा। अगर डॉट के टर्म में इसे लिखें तो क्या लिख देंगे, ई ई डॉट डेल्टा ए। ये हमारा टोटल फ्लक्स निकल के आ गया है। ठीक है,